अस्सलाम वालेकुम जी, अलाइट स्प्रेड रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम राणा अली अविस। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये आज आपके लिए 5 मरले का बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ ढाई स्टोरी घर लेके आए हैं, जिसकी लोकेशन सेंटर पार्क हाउसिंग सोसाइटी मेन फिरोजपुर लाहौर है। सेंटर पार्क मेन फिरोजपुर लाहौर पहली अंशीमन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर सोसाइटी आती है। इस घर के जो प्राइस हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस हैं। और वीएस इस सोसाइटी के अंदर हमें मैकडोनल्ड, 500 कनाल का पार्क, 500 बेड का हॉस्पिटल, बैंक्स, मार्केट और काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मिल जाती हैं। वीएस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीएस, ये बंद गली वाला घर है। इस घर की जो डिमेंशन है 25x45 इस घर की डिमेंशन है, 25 फुट का फ्रंट और 45 फुट इस घर की लंबाई है। इस घर के जो प्राइस हैं इसी वीडियो के अंदर मैं मेंशन करूंगा। उससे पहले आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट्स में बताना है ये घर कैसा है। वैसे आपको इस घर की अकोमोडेशन बताता चलूं, 4 बेडरूम मिलते हैं, डबल टीवी लॉन्च, डबल किचन, ड्राइंग रूम और बॉडी गार्ड का कारपोच मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन के हवाले से भी आपको बताते चलें, मॉडर्न टाइल, रॉकवाल और खूबसूरत लाइट के साथ इसके फ्रंट एलिवेशन को ओवरडन किया गया है। अब जल्दी से बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल मास्टरपीस के अंदर और अभी जाके आपको दिखाते हैं इस घर को अंदर से किस तरह का डिज़ाइन किया गया है। घर को विजिट करने के लिए और मजीद मालूम के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीएस, ये बंद गली वाला स्ट्रीट है। घर के आगे आप गाड़ी भी आसानी से खड़ी कर सकते हैं और घर के बाहर आप सिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस घर के आगे किसी का भी अमल दखल नहीं होगा। और साथ ही खूबसूरत गार्डन एरिया बनाया गया है, रैम्प के ऊपर खूबसूरत टाइल वर्क का काम किया गया है और घर के बाहर भी हमें खूबसूरत गार्डन एरिया मिलता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक प्लांट का इस्तेमाल किया गया है। वॉल के ऊपर मॉडर्न टाइल, लाइट और खूबसूरत रॉकवॉल का इस्तेमाल किया गया है। हम इसके कारपोच में आ चुके हैं, 1 कार स्पेस है। घर के अंदर आप बड़ी गाड़ी आसानी से खड़ी कर सकते हैं। गैराज के अंदर भी मास्टर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही हमें खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है। फैन सारे घर के अंदर इंस्टॉल मिलते हैं और 3 मेन डोर डिज़ाइन वर्क मिलते हैं। घर के अंदर जाने के लिए मेन डोर डिज़ाइन वर्क देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर सेपरेट मिलती है और इस वॉल के ऊपर ट्रेवल्टीन मार्बल और आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है और इस वॉल के ऊपर हमें रॉकवॉल और खूबसूरत आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिलता है। फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर को हम ग्रास से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह अंदर टिविलोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक पोर्शन को सेपरेट करके रेंट आउट करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। मेन डोर डिज़ाइन वर्क मिलता है और साथ ही हमें ड्राइंग रूम की इंटरेस्ट मिलती है। घर की तमाम वॉल हमें 9 इंचज़ की मिलती है। हम इसके ड्राइंग रूम के अंदर आ चुके हैं, जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं, ये इसके ड्राइंग रूम की स्पेस है। और साथ ही हमें खूबसूरत फ्यूचर वॉल देखने को मिलती है, जिसके ऊपर मॉडिंग और 3D वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत स्पैन सीलिंग डिज़ाइन वर्क और साथ ही फैन इंस्टॉल मिलता है, शैंडलियर इंस्टॉल मिलता है। फ्लोर के ऊपर 2x4x की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और इसके ड्राइंग रूम की स्पेस काफ़ी खुली डुली है। और साथ ही हमें मिल जाती है वेंटिलेशन विंडो, जिसको ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ कवर किया गया है। मजीद थोड़ा सा आगे हैं तो हमें टीवी लाउंज की स्पेस मिलती है, खूबसूरत मीडिया वॉल मिल जाती है, जिसको खूबसूरत शीट के साथ और गोल्डन लाइट के साथ ओवरडन किया गया है। स्पैनिश सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है, शैंडलियर इंस्टॉल किया गया है और साथ ही फैन हमें इंस्टॉल मिलते हैं। फ्लोर के ऊपर खूबसूरत टाइल वर्क मिलता है और साथ ही हमें फ्यूचर वॉल मिल जाती है, जिसके ऊपर 2x4x की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही वॉल लाइट इंस्टॉल मिलती है। खूबसूरत वॉलपेपर भी इंस्टॉल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर हमें मास्टर बेडरूम मिलता है, मास्टर किचन और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर मिलती है। स्टेयर के नीचे हमें स्टोरी की स्पेस मिल जाती है। अब आपको इसके बेडरूम का रिव्यू करवाता हूँ। बेडरूम की वॉल भी आपको दिखाता चलो, 9 इंचज़ की वॉल है। हम बेडरूम के अंदर आ चुके हैं, किंग साइज़ का बेडरूम है, जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। खूबसूरत बेड वॉल देख सकती हैं, वॉल लाइट का इस्तेमाल किया गया है और इसी तरह हमें सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है स्पेनिश लुक के साथ और साथ ही हमें फैन बेडरूम के अंदर भी इंस्टॉल मिलता है। फ्लोर के ऊपर खूबसूरत टाइल वर्क और साथ ही हमें वेंटिलेशन विंडो मिल जाती है और खूबसूरत वाटो मिल जाती है, जिसको वॉल के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। मजीद थोड़ा सा आगे हैं तो हमें अटैच वाशरूम मिलता है। वॉशरूम के अंदर हमें खूबसूरत मिरर इंस्टॉल मिलता है और साथ ही खूबसूरत वेंट इंस्टॉल मिल जाती है। वॉशरूम की तमाम सेसरी इंस्टॉल की गई है। कमोड की ऑप्शन मिलती है, हैंड शावर मिलता है, टाइल वर्क हमें सीलिंग हाइट तक कम्प्लीट मिलता है और साथ ही हमें एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल मिलता है। अब आपको लेके चलते हैं इसके किचन की तरफ। किचन जो है वो हमें सेपरेट मिलता है। किचन का डोर हमें ग्लास वर्क और वुड वर्क के साथ कंप्लीट मिलता है। किचन के अंदर हम आ चुके हैं, काफ़ी बड़ा किचन मिल जाता है हमें। इसका स्टोव वुड इंस्टॉल मिलता है, खूबसूरत टाइल वर्क का काम किया गया है, मार्बल का काउंटरटॉप मिलता है, बर्तन धोने का सेटअप मिलता है और किचन की बैक साइड पर हमें वेंटिलेशन की स्पेस मिल जाती है। इसके अंदर आप अपनी वॉशिंग मशीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही गीज़र का पॉइंट भी हमें इस जगह पर मिल जाता है। और खूबसूरत रॉकवॉल और खूबसूरत आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इसकी वॉल को डिज़ाइन किया गया है। किचन जो है वो हमें काफ़ी बिग स्पेस के साथ मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल विजिट हो चुका है, अब आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। इसके फर्स्ट फ्लोर का रिव्यू करवाते हैं। स्टेयर में ग्रेनाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है।
ये घर जिस किसी के नसीब में हो अल्लाह पाक बाईस रहमत बाईस राहत बाईस इज्जत बाईस बरकत वाला उसके लिए बनाए। वीस हम इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके हैं। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं हमें टीवी लॉन्च की स्पेस मिलती है, खूबसूरत फ्यूचर वॉल देख सकते हैं, वो लाइट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही हमें खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है, शैंडेलियर इंस्टॉल मिलता है, फैन इंस्टॉल मिलता है, फ्लोर के ऊपर हमें सेम खूबसूरत टाइल वर्क का काम मिलता है, मीडियो वॉल मिल जाती है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें टीवी लॉन्च मिलता है, दो मास्टर बेडरूम मिल जाते हैं और साथ ही हमें मास्टर सेपरेट किचन मिलता है और ऊपर नीचे जाने के लिए स्टेयर मिल जाती है। सबसे पहले आपको इसके फर्स्ट बेडरूम का रिव्यू करवा देता हूँ। हम बेडरूम के अंदर आ चुके हैं, किंग साइज़ का बेडरूम है जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। खूबसूरत पेट बॉल देख सकते हैं, वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है स्पेनिश डिज़ाइन के साथ, हमें इसका सीलिंग डिज़ाइन वर्क मिलता है, फ्लोर के ऊपर हमें खूबसूरत टाइल वर्क मिलता है। मज़ीद थोड़ा सा बैक की तरफ आएँ तो हमें इसकी वाटरों मिल जाती है जिसको खूबसूरत शीट के साथ ओवरडन किया गया है और साथ ही हमें अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम के अंदर मिरर इंस्टॉल मिलता है, तमाम एक्सेसरी वॉशरूम की इंस्टॉल की गई है, बेसिन इंस्टॉल मिलता है, सीट की ऑप्शन दी गई है, हैंड शावर मिलता है और टाइल वर्क का काम खूबसूरती के साथ किया गया है, सीलिंग डिज़ाइन वर्क और साथ ही हमें एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल मिलता है। टेरेस की स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर मास्टर की टाइल का इस्तेमाल किया गया है और इसके बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट में हमें मस्जिद मिलती है। घर से एक मिनट की मुसाफिर पे मस्जिद की लोकेशन है। अब आपको लेके चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ और उसका रिव्यू करवाते हैं और उसके बाद आपको इस घर के खूबसूरत किचन का रिव्यू करवाते हैं। ऊपर की भी जितनी भी वॉल है हमें मुकम्मल 9 इंचेस की मिलती है। हम बेडरूम के अंदर आ चुके हैं, क्वीन साइज़ का बेडरूम है जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन वर्क और फैन इंस्टॉल मिलता है, फ्लोर के ऊपर टाइल वर्क काफ़ी खूबसूरती के साथ करवाया गया है और साथ ही हमें मिल जाती है इसकी खूबसूरत वार्डरोब जिसको सीलिंग हाइट तक कंप्लीट किया गया है और कंसीट वार्डरोब मिल जाती है। खूबसूरत शीट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही अटैच वॉशरूम मिलता है, मिरर इंस्टॉल किया गया है, एक्सेसरी इंस्टॉल मिलती है, बेसिन इंस्टॉल मिलता है, कमोड की ऑप्शन दी गई है, हैंड शावर मिलता है, टाइल वर्क मुकम्मल किया गया है, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल मिलता है। अब आपको लेकर चलते हैं इसके किचन की तरफ। ऊपर का जो किचन है ये भी हमें सेपरेट मिलता है, दो बहनों के लिए दो भाइयों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। किचन की वॉल भी आपको मुकम्मल 9 इंचेस की मिलती है। हम किचन के अंदर आ चुके हैं, किंग साइज़ का इसका किचन है जिसका आप इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। स्टोफ इंस्टॉल मिलता है, मार्बल का काउंटरटॉप, खूबसूरत टाइल वर्क का काम किया गया है और ऊपर भी सेम शीट का इस्तेमाल किया गया है। बर्तन धोने का सेटअप मिल जाता है, विंडो मिलती है जो हमारे किचन को रोशनदान भी रखेगी और हवादार भी रखेगी। एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल मिलता है और बहुत ही खूबसूरत शैंडली इंस्टॉल किया गया है किचन के अंदर। दो बहनों के लिए दो भाइयों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है और फ्लोर के ऊपर बेहतरीन टाइल वर्क का काम मिलता है। अल्लाह पाक ज़िंदगी में हम सबको अपने ज़ाती घर की नेमत से नवाजे, रिज़क हलाल में से, और जिनके पास अपने घर है अल्लाह पाक उनको अपने घर की हज़ारों करोड़ों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। वैसे अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। छत के ऊपर भी मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हमें सर्वन क्वार्टर की स्पेस मिल जाती है जिसके अंदर मार्बल का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही हमें वॉशरूम की स्पेस मिल जाती है, विंडो मिल जाती है जिसको ग्लास वर्क और सेफ्टी ग्रिल के साथ कवर किया गया है। वॉशरूम के अंदर हमें सीट की ऑप्शन मिल जाती है, टाइल वर्क का काम किया गया है और साथ ही हमें हैंड शावर मिलता है। और व्यूअर्स आपको इस घर की डिमांड बताता चलूँ, 1,65,00,000 इस घर की डिमांड है, 165,00,000 इस घर की डिमांड है और इंशाल्लाह टोकन पर मज़ीद कमी पेशी की जाएगी। इस घर के दो स्ट्रीट छोड़ के हमें पार्क भी मिल जाती है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल सामने हमें पार्क मिलती है, घर से हाफ मिनट की मुसाफिर पे हमें पार्क मिल जाती है और एक मिनट की मुसाफिर पे हमें मस्जिद की लोकेशन मिल जाती है। मार्केट जो है वो भी हमें एक मिनट की मुसाफिर पे मिल जाती है। काफ़ी अच्छी इस घर की लोकेशन है और इस घर की जो डिमांड है वो भी काफ़ी रिजनेबल डिमांड है। और वे सेंटर पार्क के अंदर जो 5 मल्ले का घर है उसकी डिमांड 2 करोड़ है और यह 190,00,000 है। 190,00,000 से लेकर 2 करोड़ तक आपको 5 मल्ले का घर मिलेगा, लेकिन इस घर की डिमांड जो है 1,65,00,000 है, काफ़ी रिजनेबल डिमांड है। आप इस वक्त देख रहे हैं अलाइट्स बाय द रियल स्टेट एंड बिल्डर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने राना अली भाई को भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।